गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. वेलकम टू नूरी. वेलकम टू अ न्यू एपिसोड. एंड व्हाट यू हैव टू डू, दोज हु आर न्यू टू माय वीडियो, न्यू टू माय चैनल, दे हैव टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, दे हैव टू लाइक माय वीडियो, दे हैव टू शेयर माय वीडियोस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली. हो गया. सो वेयर एम आई गोइंग? आई एम गोइंग समवेयर टू बाय समथिंग एंड आई थॉट ऑफ शेयरिंग दिस whole thing with you guys. Actually क्या है ना, we are going somewhere to shop for few things. अब वो क्या है, actually जनवरी को हम कहीं घूमने जा रहे हैं. कहाँ घूमने जा रहे हैं देखो, ये मैं आपको नहीं बताऊँगी. ये मैंने दूसरे ब्लॉगर से सीख लिया है, पहले ही सब कुछ रिवील नहीं कर देना है. स्ट्रैटेजी. ओके, सो आई एम गोइंग समवेयर इन जनवरी एंड वेयर एम आई गोइंग, आई विल नॉट टेल यू दैट. सो फॉर दैट यू हैव टू बी इन दिस चैनल फॉर एवर. जो लोग मेरे वीडियो में नए हैं उनके लिए मैं बोल देती हूँ, हम लोग इंडिपेंडेंट फिल्म्स बनाते हैं, तो उसके लिए हम लोग हर साल पहाड़ों में जाते हैं स्पेसिफिकली, और वहाँ फिल्म शूट करते हैं. और उसी के लिए मैं कुछ चीज़ें खरीदने जा रही हूँ. आप कह सकते हैं अब देखो अब मैं क्या खरीदने जा रही हूँ, मैं यही बोल दूँगी तो आपको लगेगा अच्छा ये खरीद जा रही है, अब हम लोग क्या देखें, चलो इसका वीडियो छोड़ के भाग जाते हैं. नहीं, मैं आपको इतनी आसानी से नहीं जाने दूँगी, और मेरा ये कहने का हक बनता है बिकॉज मैं चाहती हूँ कि आप मेरे वीडियोज़ पूरे एंड तक देखो और इस वीडियो का मजा लो, बिकॉज आई नो दैट आई एम नॉट गोना डिसअपॉइंट यू एट ऑल. एंड थैंक यू जिन्होंने नया नया मेरा चैनल को सब्सक्राइब किया है, थैंक यू फॉर दैट. एंड एनीवेज अभी मैं थोड़ा सज सवर गई हूँ. देखो ज़्यादा सजती नहीं हूँ मैं, ठीक है. जो लोग मुझे पुराने मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उन्होंने हमेशा मुझे देखा है काजल लिपस्टिक में, बस थोड़ा ही ऐसे ही देखा है. ज़्यादा यहाँ पे बकबक ना करते हुए मैं आपको ले चलती हूँ जहाँ मैं जा रही हूँ. सो कम विथ मी. Come. You know what happened? There's a tragedy which happened with us, or we were not अवेयर ऑफ दिस. हम लोग कैमरा लेके डायमंड प्लाजा मॉल में घुसने ही वाले थे, एंड देन द सिक्योरिटी सेड कि कैमरा लेके हम नहीं जा सकते, लाइक द DSLR कैमरा वी कॉन्ट टेक इट बिकॉज इट्स नॉट अलाउड, बट अगेन फोन कैमरा इज अलाउड. सो वॉट वी हैड टू डू, वी हैड टू शिफ्ट टू द फोन कैमरा, बट इट्स ओके. देखो एक कैमरा की वजह से मेरा ब्लॉग रुक जाए, इट इज़ नॉट पॉसिबल, एंड आई कॉन्ट शो यू माई वीडियोज विदाउट अ कैमरा, इट इज़ नॉट पॉसिबल एज वेल. So, we are going to our destination जहाँ हम पहुँचने वाले थे. एक कैमरा की वजह से नूरी का वीडियोस कभी बंद होगा? No, no, not possible because I can't disappoint my viewers. So, जबकि मैंने वादा किया था मैं आपको लेके चलूँगी, तो मैं लेके ही चलूँगी, वो कैसे भी हो मैं लेके ही चलूँगी. हाँ, अभी हम लोग पहुँच गए हैं ऑलरेडी, हम लोग जाने वाले हैं. ये सब आपको उल्टा उल्टा दिखेगा, ओके? मुझे लगा मुझे किसी ने बुलाया कि मैडम आप फोन में वीडियो कर रही हो, इट्स नॉट अलाउड. फोन में भी वीडियो अलाउड नहीं है. सो अभी हम जा रहे हैं स्मार्ट बाजार में. स्मार्ट बाजार में क्या मिलता है? स्मार्ट बाजार में बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं. स्मार्टनेस बिक रहा है. हाँ, स्मार्ट बाजार में हम स्मार्ट चीज़ें खरीदने जा रहे हैं. जैसे मैंने आपको कहा था कुछ शूटिंग रिलेटेड चीज़ें, अब वो क्या है मैं देखती हूँ. अगर अंदर मुझे उन्होंने वीडियो करने दिया, स्मार्ट स्वेटर बन रहा है स्मार्ट बाजार में. अगर अंदर बटन दबाओ फोन का, गर्मी बढ़ाओ. अगर उन्होंने मुझे वीडियो करने दिया स्मार्ट बाजार के अंदर, इट्स वेल एंड गुड, अदरवाइज आई विल ट्राई इफ आई कैन शूट अ वीडियो, बट मैं कैसे नहीं आपको लेके जाऊँगा, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है. बट आई हैव अ क्वेरी. ये बात अजीब सी नहीं लगती आपको? मेरे व्यूअर्स जो है, मुझे कमेंट सेक्शन पे अगर आप अग्री करते हो तो बताना कि देखो एक जगह पे, एक मॉल पे, एक कोई आता है घूमने, लोग अलग अलग काम से आते हैं, लेकिन अगर फ़ोन के कैमरा में लोग फोटोज़ ले सकते हैं, रील्स बना सकते हैं, देन वाई नॉट SLR कैमरा? आई हैव नो आइडिया अबाउट दिस. आई फाइंड इट वेरी वियर्ड, आई फाइंड इट वेरी स्टूपिड. बट जो भी है यहाँ के अथॉरिटी, उनको मैं यही बोलना चाहूँगी कि वाई डू यू डू दिस? क्योंकि अगर कुछ करना ही है, अगर कुछ क्षति पहुँचानी हमें, तो हम फ़ोन के कैमरा से भी पहुँचा सकते हैं, लेकिन वो बात नहीं है. तो मेरे को ये चीज़ बड़ा स्टूपिड सा लगता है कि अगर हमें कुछ करना ही है तो फ़ोन के कैमरा से वी कैन डू राइट. उसके लिए हमें DSLR की ज़रूरत नहीं है, किसी को भी, नॉट हमें, एनी बडी. सो ये चीज़ बड़ी अजीब सी है.
अगर आपको एनीवेज अगर आपको साउंड में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा होगा, आई डोंट नो वेदर साउंड कैसा आ रहा है अभी, क्योंकि मैंने कैमरा में सारा माइक वाइक फिट कर लिया था. अब मैंने यहाँ पे अपना लेंस रखा, ये देखो मेरा पॉकेट कैसा खुला हुआ है. दिस इज़ द लेंस विच आई एम कैरिंग राइट नाउ एंड द कैमरा इज़ इन माई दिस स्मॉल बैग. आई हैव ट्राइड टू पुट इट सम हाउ इन साइड इट, बट देख तू यार, सोचा था कितना सिनेमेटिक शॉट्स लूँगी, बैंड बजा दी मेरी डायमंड प्लाजा ने, बदतमीज. Doesn't this guy look like a coked up version of Arbaaz Khan? Hey, Arbaaz Khan. Arbaaz Khan कहाँ से दिख रहा है ये तुमको? I don't find this guy a lookalike of Arbaaz Khan at all. I said कोकने के बाद, coked up version of Arbaaz Khan. Coked up. You have coked up. Look at his eyes. Let's do something with his eyes. What if? This person watches my vlogs. और अरे यही बदतमीज लोगों ने मेरा वीडियो बनाया है, मुझे सरेआम नीलाम किया है, हटो जरा. तो नकली अरबाज खान, इसको पता नहीं कहाँ से अरबाज खान दिख रहे, मेरे को तो नहीं लग रहा, मेरे तो कोई भी रैंडम इंसान ही लग रहा. बट एनी वेज भैया, अगर आप वीडियो देख रहे हो कुछ माइंड मत करना, चुपचाप सब्सक्राइब कर देना. दो चीज़ें वी हैव गॉट. अब अगर कुछ पसंद का मिला देन विल डेफिनेटली बाय. देखो ऐसा तो फिजूल का खर्च हम नहीं कर सकते, तो वैसे मैं करती भी नहीं हूँ. तो दो चीज़ें मिल गई, विल गो फॉर द नेक्स्ट वन इफ़ यू गेट समथिंग. बिकॉज जो कपड़े के मामले में है ना, तो ऐसे ही हमें थोड़े टाइप के ऐसे कलर के कपड़े हमें चाहिए थे. तो कोई बात नहीं, देखते अब नीचे क्या मिलता है नहीं मिलता. अगर मिलता है तो डेफिनेटली आई एम गोना शो यू. लुक एट हिज फेस. वेट. What is this? It key. ऐसे तुम सब्सक्राइबर्स मांग रहे हो? वियर्ड चीज़ें हमेशा वायरल होती है ना. मैं सोचती हूँ हमेशा, पता है सच कहूँ, मैं सोचती हूँ हमेशा आई डू समथिंग वियर्ड जैसे वायरल हो जाऊँ. बट क्या करूँ बोलो, मम्मी का कॉल आ गया था बीच में, कट गया. कोई बात नहीं, मैं जो बोल रही थी मैं वो कंटिन्यू करती हूँ. मैं कभी कभी सोचती हूँ मैं वियर्ड चीज़ें करूँ बट नहीं कर पाती, मेरा एथिक्स, मेरा प्रिंसिपल मुझे रोक देता है. वॉट यू आर टेकिंग केक, लालची इंसान. बट ये बहुत अच्छा खाने में, सिर्फ कैश्यूज से. मुझे ना केक में वो किशमिश पसंद नहीं है, सिर्फ कैश्यूज या आमंड केक पसंद है. लालची है केक के लिए, क्रिसमस आ रहा है ना, तो उसको भी केक खाने का बहुत बड़ा. यू आर गेटिंग दैट मिस्टी फिल्टर ओवर हियर एज वेल. हाँ, मेरे कैमरा में थोड़ा मैल. अच्छा, ये गेटिंग दिस इन जनवरी शूटिंग. नहीं नहीं, ये हम नहीं लेके जा रहे हैं. एक्टर एक्ट्रेस को केक फेंक के मारेगा? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. डोंट मेक फन ऑफ इट, बिकॉज ये हम अभी खाने वाले, मतलब घर जाके खाने वाले. ये कोई शूट में ले जाता है? इतना भी चिंदी नहीं है हम लोग. हम आए हैं हॉट कॉर्न खाने, और यहाँ पे एक भैया है जिनसे हम रेगुलर खाते हैं, और वो उन्होंने हमें याद रखा है. भैया दिखा दो अपना मुँह. तो भैया ने हमें याद रखा है, हम तीखा वाला खाते हैं ना, भैया को याद है कि हाँ हाँ हमें तो कस्टमर याद है. ऑब्वियसली वो हमेशा, उनका काम ही यही है. सो एनीवेज अभी हम यहाँ हॉट कॉर्न बड़ा अच्छा बनता है डायमंड प्लाजा में, आके आप ये खाओ, बहुत अच्छा, मुझे तो बहुत पसंद है, और भैया बनाते भी बहुत अच्छा है. आई एम सीरियसली टेलिंग यू. हॉट कॉर्न लेके मैं एक वियर्ड जगह पे बैठी हूँ. पता है कहाँ बैठी हूँ? सो आई एम सिटिंग इन अ वेरी वियर्ड प्लेस. देखा ना आपने मैं कहाँ बैठी हूँ? ऐसे बनाते हैं नूरी व्लॉग्स. क्रिएटिविटी भर भर के है मुझ में. एनीवेज तो मैं, पता है मैं आपसे एक चीज़ शेयर करती हूँ. स्मार्ट बाज़ार में हम लोग क्यों जाते हैं? हमने रिसेंटली डिस्कवर किया है कि स्मार्ट बाज़ार में बहुत सस्ते दामों में चीज़ मिलता है. एनीथिंग, देखो वहाँ पे 5% मिनिमम किसी भी चीज़ में डिस्काउंट होता है. अब बाकी जो चीज़ है उसमें 50%, 30%, 40%, 80%, हर कुछ में कुछ ना कुछ डिस्काउंट लोग देते हैं. लेकिन
देखो कैपिटलिज्म का शिकार हम वैसे भी सब इंसान बन गए हैं, ठीक है, अब उसका कुछ नहीं किया जा सकता है। बुद्धू हम लोग बन रहे हैं, एक वर्ड का यूज़ मैं करती हूँ, मैंने यार नहीं किया, फैमिली चैनल है ना, बुद्धू हम लोग बन रहे हैं, वो बनेंगे अंतिम सांस तक बनेंगे, उसका कोई झमेला नहीं। झमेला ये है कि हमें सस्ते में वहाँ बहुत कुछ मिलता है, और सस्ते में अगर काम चलाने जैसी चीज़ें मिल जाए इससे अच्छा और क्या हो सकता है। तो बस और क्या, यहाँ मैं बैठी हूँ ऐसे ऐसे पोज में, आसपास के सब लोग मुझे यहाँ से सामने से ना सब लोग देखते देखते जा रहे हैं। सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब, ठीक है। मैं यहाँ हॉटकॉर्न का मज़ा लेती हूँ और आप इस वीडियो का मज़ा लो। ओके देवियों और सज्जनों, वी हैव रीच्ड होम, इतनी खुश। आई नो, बहुत थक गई हूँ सच्ची में। सो मैंने सोचा कि आपसे मैं ये कैसे ना शेयर करूँ, जो मैंने मतलब पहले वाले क्लिप में बोला कि तब मतलब वहाँ बहुत सस्ते में मिलता है। तो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैंने सोचा टू शेयर द प्राइज ऑफ दीज टू थिंग्स, ऑफ दीज थ्री थिंग्स, कि ये कितने में मिला है हमें। तो ये जो स्वेटर आप देख रहे हो ये हमें मिला है 329 में, जो कि 1199 का था, तो ये बहुत सस्ते में हमें मिला है। 1199 का स्वेटर 329 में। ये एक टी शर्ट है, तो मैंने मीडियम साइज़ का लिया है, मुझे मतलब ऐसे वाले टी शर्ट्स ना ओवर साइज्ड पहनना बहुत अच्छा लगता है, इट लुक्स वेरी कूल। तो ये 599 का है, जो कि मुझे 299 में मिला है। और ये जो लालची इंसान ने जो ये केक लिया है, ये लोफ ऑफ केक, दिस लोफ ऑफ केक, इसका एक्चुअल प्राइस है 175, जो कि हमें 2 रुपये में मिला है। 2 रुपये नहीं, सॉरी 131.25 रुपये में मिला है, मतलब 131.25 रुपीज़। तो हाँ, थोड़ा बहुत तो हम बचत करके ही आ पाए, और जहाँ बचत है नूरी वहाँ नहीं जाए। ऑब्वियसली बचत तभी मतलब करना अच्छा लगता है जब चीज़ें मोर और लेस अच्छी हो। आज का वीडियो हम यही ख़त्म करते हैं। अभी पता है मुझे क्या क्या करना है, अभी मुझे चिकन मंगवाना है, चिकन बनाना है, खाना खाना है, आई मीन चिकन को बनाने से पहले का जो प्रिपरेशन है वो सब है, बहुत काम है, बहुत काम है। जे मतलब एक एक घर को चलाने के लिए जो जो करना पड़ता है नूरी को भी वो सब अभी करना है। तो मैं अभी चिकन मंगवाती हूँ। पता है हम लोग चिकन कहाँ से मंगवाते हैं, लिशियस से। लिशियस ने मेरी ज़िंदगी बदल दी, एंड अगेन अभी तो मैं प्रमोट करने लायक बनी नहीं हूँ ना, तो लिशियस को मैं प्रमोट नहीं कर रही हूँ, बट आई एम टेलिंग यू अ वेरी ऑनेस्ट थिंग, लिशियस ने मेरी ज़िंदगी ऐसे बदल दी, ऐसे बदल दी कि मैं क्या बोलूँ। हर मुर्गी का स्वाद, हर चिकन का स्वाद मेरे रोम रोम में बस गया है। बाहर से जब मैं चिकन खरीदती थी इतने सालों तक, और जब मैंने लिशियस का चिकन खाया, सच कहूँ ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आई एम टेलिंग यू द ट्रूथ, दोज हु हैव नॉट ट्राइड लिशियस का चिकन, यू हैव टू ट्राई, दे गिव यू द फ्रेशेस्ट चिकन एवर इन लाइफ। तब भी नया मुर्गी मतलब एकदम बनाकर वो लोग देते हैं। तो अब जो है लिशियस से हम लोग चिकन ऑर्डर करेंगे, आते आते एक घंटा, उस एक घंटे में मैं फ्रेश होके सारा प्रिपरेशन कर लूँगी। देखो ये एक बहुत छोटा सा वीडियो है, आपको अगर लगा हो कि मैंने बहुत कुछ खरीदने का प्लान बनाया था, ऐसा नहीं है। जब जब जो जो चीज़ मुझे ज़रूरत है, ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें मुझे ख़रीदना पसंद भी नहीं है, जो है जितना यूज़ होगा उतना ही मैं ख़रीदती हूँ, और मैं आपको भी ये बोलूँगी कि आप भी वही करो। तो बस आज का वीडियो मैं यही ख़त्म करती हूँ। अभी मैं जल्दी फटाफट जाके फ्रेश हो लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन यू हैव टू बी इन दिस चैनल, अपने सारे दोस्तों रिलेटिव्स, अपने सारे दोस्त मतलब जो भी है आपके जान पहचान वाले, सबसे मेरा वीडियो शेयर करो, और मैं आपको मिलती रहूँगी ऐसे ही प्यारे प्यारे वीडियोज़ के साथ। और क्या, बस सब्सक्राइब करते रहो, जिन्होंने अभी तक नहीं किया है उनसे सब्सक्राइब करवाओ, एंड आई विल कम विद इंटरेस्टिंग कॉन्टेंट, और मेरे लाइफ के कुछ बिट्स एंड पीसेस मैं आपसे इसी तरह शेयर करती रहूँगी। टिल देन यू गाइस टेक केयर, मन से अच्छे रहो, दिल से अच्छे रहो, और बहुत सारा काम करो। हैव अ न्यू लाइफ।